हमीरपुर टाइम्स न्यूज, आप देख रहे हैं हमीरपुर टाइम्स न्यूज। इस समय हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का भारी भरकम बजट खर्च कर ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की मुहिम में लगी है। वहीं ग्राम पंचायतों में बैठे ग्रामों के नुमाइंदे ही गाँव के विकास की तमाम योजनाओं का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। गाँव की सड़कें, बंदी निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन और शौचालय जैसी तमाम योजनाओं के पैसे का बंदरबांट इस तरह किया जाता है कि धरातल से काम ही गायब हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है हमीरपुर जिले में, जहां ग्राम प्रधान ने गांव के ही विकास के लिए आए लाखों रुपयों का गबन कर डाला। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सड़क में हुए गबन की शिकायत की, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत, नहीं हुई कोई कार्रवाई। आपको बता दें कि सुमेरपुर ब्लॉक के उजनेड़ी गाँव की सड़कों में बज बजाता हुआ कीचड़, जगह जगह लगे कूड़े के ढेर, सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़, यहाँ हुए विकास कार्यों की पोल खोलने को काफी है। आपको बता दें, योगी सरकार द्वारा घोषित आदर्श गांव, जहाँ विकास के नाम पर ग्राम पंचायत में लाखों करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर यहाँ की सड़कों, नालियों को कागजों में तो पूरी तरह से चमका दिया जाता है, लेकिन यहाँ के हालात आप खुद देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है। मोदी जी और योगी जी, आप भी इन आदर्श गांवों के विकास की तस्वीरों को देख लीजिए, जिनके विकास के लिए आप करोड़ों पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ जा रहा है और उन पैसों से किसका भला हो रहा है, ये साफ पता चल जाएगा। गाँव के विकास की बागडोर जब ऐसे भ्रष्ट प्रधानों के हाथ में होगी तो गाँव या क्षेत्र का विकास कैसे संभव होगा। आप जरूरत है ऐसे प्रधान या ग्राम विकास अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की, ताकि गरीबों के खून पसीने के पैसे की लूट में लगाम लग सके और गांव वाकई में आदर्श गांव बन सके। आप इस पूरे को देख सकते हैं कि इस पर एक भी काम नहीं हुआ है। वहीं इन सड़कों की हालत देखिए, बद से बदतर हो गई है, लेकिन विकास सिर्फ जीरो दिख रहा है आप लोगों को। ये सड़कें बदहाल विकास की तस्वीरें हैं। क्या इन गाँवों में विकास नहीं होना चाहिए, जबकि सरकार तो हर जगह हमारे विकास के लिए पैसे देती है, तो आखिर हमारा पैसा ये ग्राम प्रधान, सचिव, बीडीओ मिलकर क्यों खा जा रहे हैं। आखिर इन सड़कों में क्यों नहीं कराया गया निर्माण? आप ये सड़क देख सकते हैं, सिर्फ मिट्टी नजर आ रही है, सड़क तो जैसे गायब ही हो गई है। इसी प्रकार से इस गांव में विकास कार्य कागजों में तो है, वैसे जमीनी स्तर पर शून्य है। अब इस नाली को ही देख लीजिए, नाली बनी हुई है लेकिन सिर्फ कच्ची नाली, लोगों को निकलने में तक दिक्कत हो रही है। यहाँ के लोगों ने यहाँ के ग्राम प्रधान, सचिव, बीडीओ पर बहुत ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि इन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए गबन कर लिया है, विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया है इन लोगों ने। भगवान न करे हमें कभी ऐसे गांवों से गुजरना पड़े। आप देख सकते हैं कितनी दुर्लभ तस्वीर है इस गाँव की। क्या इस गाँव में कोई प्रधान नहीं है, सचिव नहीं है, बीडीओ नहीं है या सरकार नहीं है? क्या योगी जी को इस गाँव की कोई फिक्र नहीं है? योगी जी, देख लीजिए इस गाँव को, क्या होगा ऐसे इस गांव को, जहां भी विकास के नाम पे सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है। यहां पे रास्ताएं तो हैं, लेकिन उनमें चलने लायक रास्ताएं नहीं है, जगह जगह गड्ढे हैं, कीचड़ भरा हुआ है, कैसे होगा लोगों का विकास? बोलिए कि किसी गांव में नहीं होगा श्रीमान जी, आप देख लो मौके में। कैसी हैं सड़कें? सब बेकार हैं दोस्त, बन चुकी हैं क्या? बनने के लिए पैसा आया था, पैसा आया, खा गए। कौन खा गए? प्रधान। इस बात की आपने शिकायत की प्रधान से? कभी बात की? आप तो कई बार कहो, तो कह देता हाँ होगा, बस कब हुई जब प्रधान खत्म हुई जी? एक बार देखिए, सोलर लाइट है, स्ट्रीट लाइट है और सीसी रोड है, नाली निर्माण है और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो आवास आए हुए हैं उनकी समस्या और शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय आए थे और हैंडपम्प रिबोर। हैंडपम्प रिबोर में क्या हुआ कि उन्होंने जो पुराने सामान थे, हैंडपम्प रिबोर थे, उनके पुराने सामान निकाल करके नए में यूज कर दिए गए और उनका खर्चा नए के बराबर ही निकाला गया है। रोडों की हालत यहाँ पर क्या है? रोडों की हालत बहुत जर्जर हुई है, बहुत जर्जर, वो गंदी हुई, क्या चीज़ें निकलने में समस्या हो रही है,
इनका क्या बजट आ चुका है और मतलब पास हो गई है, पैसा मिल गया है लेकिन बना नहीं रहे? हाँ, इनका पैसा पास हो चुका है। कहीं ना कहीं अधिकारियों और ग्राम प्रधान की मिली भगत से खा लिया गया था। हाँ, मैं सचिव है, वीडियो वगैरह वीडियो है और ग्राम प्रधान है और जो संबंधित इनसे अधिकारी हैं उनसे सबसे सहमति से इनका पैसा निकाल करके खा लिया गया है और कार्य नहीं कर, निर्माण कार्य नहीं होगा। कब इनका पैसा आ चुका है? इनका 2016 में पैसा पास हुआ था, 2016 और 17 की लिस्ट में इनका पैसा पास हुआ है। आपके पास लिस्ट है? हाँ, उसकी लिस्ट मेरे पास में होती है, उसकी लिस्ट ये है। चलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं और सड़क है ही नहीं। सड़क बनवाने के लिए, आरसीसी बनवाने के लिए पैसा आया था लेकिन उस पर क्या लगा नहीं? पैसा लगा होता तो सब लोग देखते हैं, कौन देख रहा है? प्रधान से कभी नहीं की ना, प्रधान से कोई जानकारी मिली?